अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाज़रीन, नई सुबह नए मेहमान और काफ़ी टाइम बाद स्टूडियो शो पे वापस आई क्योंकि आउटडोर शोज़ पे गई हुई थी, विजिट्स पे गई हुई थी, कैंप्स के विजिट्स पे थी और राशन डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही थी। आपने शोज़ वगैरह देखा होगा। लास्ट शो मेरा हैदराबाद में मैंने किया, कोटरी चाम शोरो और ये सब चीज़ों जगहों को कवर किया। उसी के मुताबिक आज मैंने सोचा कि सिचुएशन हमारे सिंध की ऐसी चल रही है फ्लड की वजह से कि बहुत लोग परेशान हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो खुद अब रोड पे कैंप्स में टेंट्स में आ गए हैं और जब मैं देखकर आई इस ये सब सिचुएशन को तो मेरा दिल बहुत रोने वाला हुआ क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। तो इसी तरह आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो इन सिचुएशंस पे वर्कआउट कर रहे हैं, पूरे सिंध में वर्कआउट कर रहे हैं। सिंध डिज़ास्टर रिलीफ कैंप के मेंबर्स भी हैं और उसमें वर्कआउट कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं अपने शो पर जो आए हमारे साथ, एडवोकेट नवाब अली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अम्माल डायो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, कैसा चल रहा है? सबसे पहले ये बताएं लाइफ कैसी जा रही है? अल्लाह का करम है, लाइफ अच्छी जा रही है और अभी जो सिचुएशन है हमारी कौम पे, हमारे लोगों पे, उसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। तो बहरहाल ओवरऑल ठीक है सर। ओवरऑल ठीक है। क्या रूटीन है, डेली बेसिस की रूटीन, कैंप्स की रूटीन क्या चल रही है? रूटीन तो यही चल रही है कि हमारा जो कैंप है वो सुबह स्टार्ट होता है तकरीबन 9-10 बजे से और हमारी भी जैसे आँख खुलती है तो हमारे जहन में यही होता है कि हमें कैंप पर जाना है क्योंकि हमारे जो लोग हैं जाहिर सी बात है मीडिया जो है वो कवरेज दे रही है लोगों को तो हमारा जो लाड़काना है, मेहड़ है, दादू, यानी कि पूरी की पूरी जो एक पट्टी है वो मुतासर हो चुकी है डिजास्टर के हवाले से। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने कौन सी सिटीज में वर्कआउट पूरे सिंध में कर रहे हैं? आपका जो राशन का कोई ट्रक है या जो भी है, पहले कौन सी सिटी में आपने प्रोवाइड किया है? पहले जो हमने भेजा था वो भेजा था हमने घोटकी में, फिर लाड़काना और उसके अलावा जो है वो ठठा, बदीन और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें कवर हो रही हैं। शिकारपुर में भी हमने भेजा था और बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो अभी रहती हैं, जो हमारे मेंबर्स जो वॉलंटियर्स हैं वो कल परसों तक वो चीज़ें भी विजिट करेंगे। जामशोरों की कल परसों हुई थी तो इस हवाले से हमारा जो कवर है वो पूरा का पूरा सिंध है। जाहिर सी बात है सिंध हमारी धरती है, हमारा जो है वो हमारा वतन है तो हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं उनके दुख सुख में। ठीक हो गया। अच्छा मुझे आप ये बताएं, अगर मैं पूछूं एडवोकेट नवाब अली साहब से कि आपके क्या सिचुएशंस हैं और आपने क्या डेली बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हैं, कैंप्स की क्या है, क्या सेम रूटीन है जो इन्होंने बताई? सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आपने हमें इनवाइट किया और हमारी जो आवाज़ को आपने हाईलाइट किया। सिंध डिज़ास्टर रिलीफ कैंपेन का आपको मैं थोड़ा इंट्रो करवा दूँ। सिंध डिज़ास्टर रिलीफ कैंपेन जो है ये कराची में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने जो बनाई है, ना ही हम कोई वाजे करना कर देना चाहते हैं, ना ये कोई एन जी ओ है ना कुछ, वी आर टोटल स्टूडेंट्स बिलोंग टू द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और हमारा जो अभी बुनियादी मकसद ये है लोगों को एमरजेंसी रिलीफ करना। और ये ऐसी सिचुएशन है कि हमारी कैफियत अजीब सी हो गई है और हम घर बात नहीं कर पाते, अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाते, तो उधर बात करते हैं तो पता चलता है आज उसकी छत गिर गई, आज उसकी दीवार गिर गई, आज उसका बच्चा खाई में गिर गया, तो ऐसे हमारे हालात हैं तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरे घर की दीवार, मेरे घर की छत गिर चुकी है तो मैं सिर्फ अपने लिए, अपने नवाब के लिए नहीं, मैं अपनी फैमिली को आगे रख के पूरे सिंध के ख़ानदानों की बात कर रहा हूँ उनके लिए। हम जो है ना अपने लोगों के लिए दो तरफा जंग लड़ रहे हैं, एक तो हम जो है एहतजाज की सूरत में हम इस नाहल हुकूमत के खिलाफ उनको बताना चाहते हैं कि जो आपका जो ये नाहल स्ट्रक्चर था जो बिल्कुल तबाह हो गया है, आप मलेशिया में चले जाएं, फॉरेन में चले जाएं, मुसलसल डेली की रूटीन पे जो बारिशें चलती हैं वहाँ पे तो कुछ नहीं है ऐसा ही। और जो हमारे हुक्मरान दुरानी साहब हैं जो मिनिस्टर से वो बोल रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, उन लोगों को मैं आपके कैमरों की तवज्जो से बताना चाहता हूँ ये कोई अल्लाह का अजाब नहीं है, आपका जो है ना नाहल, आप अपनी नाहली छुपाने के लिए सारा जो इल्ज़ाम खुदा पर आप मसल्लत कर रहे हैं, ऐसी कुछ, कुछ भी नहीं बातें। एसटीआरसी के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने जो है ना 4 मेडिकल कैंप लगा दिए हैं, ठट्टा में हमने लगवाई, उसके बाद सांगड़ में हमने लगाई, शिकारपुर में हमने लगाई, उसके बाद इधर कराची में 2 कैंप हैं और हमारी ड्राइव
सबसे पहले ठटा में गई थी, फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में गई, उसके बाद लाड़काना में गई, नवाबशाह में गई, जाम साहब में गई और सांगड़ की तरफ गई, अभी भी वो जा रहा है। और कराची में जो लाखों लोग सिंधी इधर आ रहे हैं फ्लड इफेक्टिव, हम उनको भी जो ना राशन डेली बेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कपड़े हो गए या फंडामेंटल जो नेसेसिटीज हो गई वो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि एक हम सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हम बैगर्स की बात करें तो वो तो रोड्स पे वैसे ही निकलते हैं, वो उनका काम ही यही है मांगना, तो हम लोग तो फंड्स के लिए रोड्स पे निकले, तो क्या पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिला? नेगेटिव भी मिले होंगे, पॉजिटिव भी मिले होंगे, देखिए जी बात ये सुने कि अच्छी फैमिली कैसे कहते हैं, ठीक है, और दूसरी बात है कि कोई भी बंदा अपनी विल से नहीं भीख मांगता, ऐसा ही है, ठीक है। जब पहले दिन हम लोग डोनेशन बॉक्स लेके खड़े हुए थे, नवाब भाई हमारे साथ हैं, तो लिटरली मैंने पहली दफा जब मांगना शुरू किया तो मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि भीख मांगना किसी के सामने हाथ फैलाना कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है, रोना आ रहा था मुझे। और बात यह है कि इन लोगों ने हमें मजबूर किया है, ऐसा ही है, जिन लोगों को हम टैक्सेस देते हैं, जिन लोगों को हम मुकद्दस ऐवानों में जो है वो तक पहुंचाते हैं, जिन लोगों जो लोग जिस वक्त जिस बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये हमारा पैसा है, हमारे खून का पैसा है, हमारे पसीने का पैसा है। ये सिंध 72.5% गैस देती है, ये सिंध 58.5% पेट्रोल देती है, सिक्स्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व सिंध में है, लेकिन हमें कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ही। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि जो एक प्रॉपर मोनोपोली है, एक लॉबी बनी हुई है जो इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रही है, और इन लोगों को जो मुसल्लत कर रहे हैं उनके साथ वो जो अवाम है वो उनके खिलाफ ऐलान है, जो हक जो है का जो बुलंद है वो जो है उसको बुलंद, ठीक हो गया। अच्छा अगर मैं बात करूं तो पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा, क्योंकि ये तो सिचुएशन हमारी सिंध की चल रही है, हर बंदे के साथ है, और आप सबको सैल्यूट है SDRC वालों को जो इस टाइम ये वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैंप्स पे बैठते हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के वहाँ जाके टाइम देते हैं, टाइम एक्सपेंड करते हैं, सुबह से रात हो जाती है, फंड्स डोनेशन जमा करते हैं, सामान जमा करते हैं। एक कैंप के अंदर बैठना आसान नहीं है, वो कोई मशकरी नहीं होती। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि मैं जब 2-3 दिन आपके साथ वर्कआउट किया मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और शौक है कि आगे भी आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं, तो मुझे बड़ा जब अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो लोगों ने कहा शायद ये जो है ना वो आउटिंग है, तो ये आउटिंग नहीं है, आप लोग कभी आके बैठे, रात जब जाते हैं ना तो नींद भी नहीं आती ये सोच कर कि सुबह क्या करना है, सुबह किसके लिए वर्कआउट करना है, क्योंकि हजार फैमिलीज आपके पास आती होंगी दिन में जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती होंगी कि आप लोग एक कैंप लगा के बैठे हुए, आपको हर चीज फंड वगैरह मतलब डोनेशन वगैरह जमा कर रहे हैं तो आप हमें दो, तो क्या उन फैमिलीज के बारे में कहूँगे, कितने लोग दिन में कॉन्टेक्ट करते हैं? देखें जी यहाँ पे जो लोग लड़काना से आए हैं, जामशोरों से आए, मुख्तलिफ इलाकों से आए, पूरी सिंध में से कराची में, तो उन लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है, कोई राशन मांग रहा है, कोई कह रहा है कि हमें कपड़े चाहिए, कोई कह रहा है कि हमारी छत गिर गई है, हमारे पास रहने के लिए कोई फ्लैट नहीं है, उसका किराया आप अदा करें हमारा, और लड़कियाँ आती हैं, पूरी फैमिलीज आती हैं, उनके साथ डील करना पड़ता है। लिटरली एक ये जो एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि एहसास भी उन लोगों को होता है जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है, जिनके ज़मीर ही मर जाए, जिनके जो है जिनके अंदर का इंसान ही मर जाए, तो उनसे बंदा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, ऐसा ही है। लेकिन हज़ारों लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना हमसे हो सकता है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें ना कोई हुकूमती फंड है, ना कोई NGO है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या मुख्तलिफ फील्ड के या मुख्तलिफ शोबों के स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा एक अलायंस है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, जितना हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं। अच्छा इस टाइम ड्यूरेशन में, इस कैंप ड्यूरेशन में कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ पब्लिक? किस किस्म का? कोई पुलिस इशू, कोई भी मतलब कुछ ऐसा इशू हुआ जिन्होंने आपको लेग बिहाइंड किया कि यार ये क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये तो है, हर रोज मुझे नई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। एक सफ़ेद पोश फैमिली आई, तो एक बंदा आया तो उसके साथ अपनी बीवी भी थी, तो मैंने पूछा भाई जी बताइए, उसने कहा राशन चाहिए, मैंने कहा अकड़ में बंदा यारी कैसे बोल रहा है, तो मैं उसकी अहलिया की तरफ गया, उसने कहा ये मेरा शोहर है आप दे दें, मैं जल्दी से सामान निकाल के आया, तो वो बंदा जो ना बच्चों की तरह रो रहा था, खुदा कसम मैं जो है ना अपनी ज़ात पे भी कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके साथ मैं भी रो रहा था, तो
उस वक्त मैंने क्या किया, उसको बिठाया, जल्दी में चाय मंगवाई, तो उस बंदे ने मुझे कार्ड निकाल के दिया। उसने कहा इम्तियाज़ शेख, जो अभी पीपल्स, आई थिंक ही इज़ इन पीपल्स पार्टी आर फंक्शनली, किसी के कोई बड़े नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी या फंक्शनली के, कार्ड दिखाया। उसने कहा 10 साल मैंने इस बंदे के लिए काम कर किया, इसके बेटे को 10 दिन से और इस खुद को 10 दिन से कॉल कर रहा हूँ, तो ये मेरी कॉल नहीं उठा रहे। मिलेंगे ना थोड़ी अभी, हम देने वाले थे, हम लेने वाले नहीं थे। तो ऐसे लोग, कई लोग आ रहे हैं हमारे पास। सिचुएशन तो बड़ी, आप लोग जो है कितनी फैमिलीज को डील करेंगे, हिम्मत है, सलाम है, क्योंकि हमारा पूरा सिंध 98% लोग रोड पर हैं इस टाइम, जिनको रहने की जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। मैं खुद देख कर आई, क्योंकि मैंने तो खैर एक छोटी सी सिटी में गई हैदराबाद, पूरा सिंध आप लोग देख रहे हो, तो बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ है कि ऐसे ही काम करते रहें। क्या मैसेज देंगे सिंध डिज़ास्टर रिलीफ कैंप की तरफ से? देखिए जी, मैं मैसेज यही दूंगा कि कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं और उस मुश्किल वक्त में अपनी कौमों के साथ खड़ा होना पड़ता है, अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है, तभी तारीख आपको सुनहरी लफ्ज़ों में लिखती है। मैं अपने सिंध के नौजवानों को और सिंध के बूढ़ों को, सिंध के बच्चों को और सिंध की जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन सबको यही पैगाम दूँगा कि पहली बात तो ये कि सही और गलत की गलत को पहचानें, कि जो आपके खैर ख्वाह हैं उनके साथ खड़े हों, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अभी इस वक्त हमारी जो SDRC है, सिंध डिज़ास्टर रिलीफ कैंपेन, तो उसके जितना हो सकता है आपसे, आप हमें डोनेट करें। अच्छा, एक क्वेश्चन करूँ, ये नाम किसने रखा? ये किसी एक बंदे ने नहीं रखा, ये सब हमारे जो जो दोस्त हैं, सीनियर दोस्त हैं हमारे, जिसमें मुबशर भाई हैं। अच्छा, मैं हाँ, भाई है, मुबशर से याद आया, मैं शेयर करूँ, मुबशर हमारे साथ मौजूद है, ऑफ स्क्रीन बैठा है, गला ख़राब होने की वजह से वो ऑन एयर नहीं बैठ सका, लेकिन इंशाल्लाह उसकी भी अल्फाज मैं आप सबसे शेयर करूँगी जब उसका थोड़ा गला सही होगा, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी वो वर्कआउट अच्छा कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। तो सैल्यूट है आपको भी, ऑफ स्क्रीन आप हैं, ऑन ईयर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ऑन ईयर बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। कंटिन्यू, भूल जाती ना कट करना। नहीं नहीं, कोई मसला। और एक बात बताना जानू, ये सरमन और मुबशर हैं जो हम स्टूडेंट को जो है ना एक कलेक्ट करने वाले ये लोग हैं, तो हम इनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरी भी बात करना मुबशर से, एक ही गांव से, लेकिन हमारा तारुफ इधर ही हुआ है हम दोनों का। मैं भी आपके गांव की, मैं ऐसे नहीं बोलो, हम दोनों में क्या मतलब, मैं भी आप लोगों के गांव से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज बने और हमें लबैक किया, हम भी आपको लबैक करें। आपने टाइम दिया हमें, कैंप पे भी टाइम दिया आपने, ये आपका बड़ापन है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब जब आप लोग आवाज लगाएंगे, जब जब कहेंगे, आप लोगों के साथ हैं, कैंपेन के साथ हैं आपकी, और जहाँ जहाँ हमारी नीड पड़ी, मेरी मीडिया की नीड पड़ी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हम हाजिर हैं, हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि सब जैसे बन जाएंगे तो हम में और बाकियों में क्या फ़र्क रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम सारे आर्टिस्ट इस टाइम रोड्स पर हैं, अगर हम अपने सिंधी आर्टिस्ट की बात करें, सब निकले हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ना निकला हो। अक्सर जमाली, अली गुल मल्ला, सुराब सुमरोज, वेब चांडे, हमारे फायजा अली सिंगर, सब निकले हैं, कोई ऐसा नहीं है जो घर बैठा हो। अब कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट के बारे में, कहने को तो बहुत कुछ दिल चाहता है ऑन ईयर कहने को, लेकिन मजबूरी है, बात होगी तो काफी आगे तक निकल जाएगी, तो इसीलिए सबको मेरा ये मैसेज है कि आप लोग कहाँ पर है कैंप लगा हुआ, अगर कोई हमारा डोनेशन करना चाहता है कुछ शेयर करें। 3 तलवार पे हमारा कैंप लगा हुआ है, और हमारा पेज है फेसबुक पे सिंध डिजास्टर रिलीफ कैंपेन के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, उस पे हमारे अकाउंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, और अगर कोई हमें विजिट करना चाहता है, वो हमारा 3 तलवार पे हमारा जो है वो मेन कैंप लगी हुई है, जिसपे आप जो है वो जितना हो सकता है आपसे, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपने किरदार के हाथ जो हिस्सा डालें, कपड़े देना चाहते हैं, शूज देना चाहते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आप बिस्किट्स देना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं वो आप डोनेट करें। और आर्टिस्ट से भी यही पैगाम है कि एजाज मंगी साहब ने भी एक नज़म लिखी थी, डोनेट योर डांस, ठीक है, तो आप जो डोनेट आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो आप डोनेट करें, बस ये बात है कि अपने लोगों के साथ खड़े हों बगैर किसी मफाद लालच। क्या मैसेज देंगे? मैसेज तां भले सिंधी में दियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनीवन, बट आई मस्ट से दैट इट्स आवर फॉल्ट। सिंधी में सिंध डिजास्टर रिलीफ कैंपेन जे तसव्वुर सां जो हमारे लोकल साथी जो तंजीमू कम कन पी, जी JDC थी वही, या अल खिदमत थी वही, या एदी थी वही, छिपा थी वही, उन्हें यो मैसेज आ,
उहे जेकी मकामी माण के लोकल माण ता उन जी अप्रोच घटा उहे असा जे थ्रू जे करे माण जी मदद करण चाहन ता असा उनन के फिगर फैक्ट बुधाण ले तैयार आयु असा उनन के प्रोटेक्शन देण ले तैयार आयु उन के असा उनन के राश देण ले तैयार आयु मैं माण के इयो ही मैं पैगाम देण चाहन तो सिंध डिजास्टर रिलीफ कैंपेन जेको आ ता उन ते एतबार कयो असी एहतसाब दिंदासी असी अकाउंटेबिलिटी दिंदासी असी शागिर्द आयु ए शागिर्द समाज जो वो तबको आ जे कदे भी कें जो हक ना खादो उन हमेशा मजलूमन ला आवाज उतारियो मैं माण के इयो चवंदस ता पाजी नेकी जो वसीलो असा के बणायो आप अपनी नेकी का वसीला हमें बनाएं आप अपने अजर का वसीला हमें बनाएं हम जो है ना आपकी जो डोनेशन है वो आप हम हकीकी लोगों तक पहुंचाएंगे। सिंध डिजास्टर रिलीफ कैंपेन जो पिछले 15 दिन से दिन रात जो अंथक एक मेहनत कर रही है अब हम मुस्तकिल टाइम बैठने जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डोनेशन की बात नहीं है अब हम अपने हक की बात करेंगे जो हमारे लोगों को हाथ से डबोया गया उनके लिए हम बात करेंगे जो नाहल गवर्नमेंट की जो नाहल पॉलिसीज है हम उन पर बात करेंगे और जो लॉ एंड गवर्नर की बात है उस पर हम बात करेंगे। हम अपने लोगों को जो है ना अब मजाहमत की तरफ ले जाएंगे कि आइए इकट्ठा हो जाएं ये वक्त जो है ना मुंतशिर का नहीं है ये हम यूनाइट होने का है मुतहद होने का ये हम ऐसी पार्टी को बाहर फेंक निकालें जिसने हमारे घर हमारी नस्लों को तबाह करते आ रही है। थैंक यू। तो जी हाँ बिल्कुल मेरा भी सबको ये मैसेज है कि आप सिंध डिज़ास्टर रिलीफ कैंप का फेसबुक पेज है जो जितना डोनेट कर सकता है चाहे एक रुपया क्यों नहीं हो वो डोनेट करे जिसकी जो हैसियत है जो औकात है और ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि हम खुद सब आर्टिस्ट जाके विज़िट कर चुके हैं मीडिया सपोर्ट है इनको क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स होकर एक स्टडी के साथ साथ यंगस्टर्स सबसे बड़ी बात यह यंगस्टर्स में ये जो है एक कहते हैं ना शौक है क्योंकि बिल्कुल यंगस्टर्स हमारे नहीं तो कहाँ आजकल के वो कहते हैं हम बस घूमे फिरे लेकिन आप लोग बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। शुक्रिया। ऐसी मेहनत करते रहें जहाँ हमारा साथ होगा हम आपके साथ हैं। तो गाइज ज़रूर विजिट करें तीन तलवार पर आएँ कुछ भी दे सकते हैं आप दें क्योंकि इस टाइम आप सबकी ज़रूरत है आवाम की नीड है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती और अपना रखें बहुत सारा ख्याल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई सोच के साथ नई चीज़ के साथ और नए शो के साथ नए मेहमानों के साथ नए आर्टिस्ट के साथ नए टैलेंट के साथ आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।